ज़्यादा हैट्रिक भी की आपने, 7 विकेट ले गए, फिर भी टीम जो है वो हार गई। बहरहाल टीम पे बाद में बात कर लिए, पहले अपना परफॉर्मेंस बताएं, 7 विकेट लिए आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, शुएब भाई अच्छी काफ़ी बड़ी परफॉर्मेंस थी। बस T20 में यही होता है, अपना मेन फोकस होता है अपनी इकॉनमी पे। बस यही कोशिश की थी अपनी इकॉनमी अच्छी रखूँ, और बाद में जब डेथ में बॉलिंग करने आया तब बस ये था प्लान कि यार अपना बैट्समैन की जो आर्क है उसमें बॉल नहीं करना, थोड़ा सा उसको बस ये कोशिश की थी बाहर बॉल फेंकूँ, उसमें बस थोड़ा सा सक्सेसफुल रहो। अपना प्लेन मिस भी काफ़ी हुआ है, बाकी आपको पता है वेदर सी ओ डे वो भी अपना चीज़ शामिल थी बीच में। हाँ जी, तो मैंने काफ़ी आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। अच्छा, एक वक्त था कि आपको पाकिस्तान टीम के लिए भी जो है कंसिडर किया जा रहा था, नाम आ रहा था कि आप पाकिस्तान टीम में आएंगे, फिर आपको PSL भी नहीं मिलती और BPL जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग वहाँ पे आप कंसिस्टेंटली वहाँ पे आपको रखा जाता है, तो अफसोस होता है कि अच्छे परफॉर्मर होने के बावजूद PSL में मौका नहीं मिल पाता। ऑफकोर्स भाई, हर साल बड़ा होपफुल होता हूँ, परफॉर्म करके आता हूँ और ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6 फ्रेंचाइजों में कहीं ना कहीं जगह बन जाएगी। ये तो अपना बांग्लादेश भी अपना पूछ रहे हैं, 5 साल से मैं उनकी ढाका लीग खेल रहा हूँ, 4 एडिशन में उनके BPL के खेल चुका हूँ, ये तो वो भी पूछते हैं कि यार अपना क्या रीज़न है, अपना रिकॉर्ड परफॉर्मेंस वगैरह हर चीज़ ठीक है, व्हाई डोंट यू गेट फिट। आई डोंट नो ऑफकोर्स, तो ये तो अपना क्या कहते हैं मैनेजमेंट है या ऑफिशल्स हैं, उनके पास इस चीज़ का जवाब होगा। लेकिन जो क्रिकेट खेल रहा हूँ उसमें ही फोकस है, बस प्रोमिनेंट नज़र आओ बस। अच्छा, मिसबा उलग जो चीफ सेलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं, तो उनकी अब ये बनने के बाद कुछ अब तवक्कात हैं कि अब आपका कमबैक होगा या आपको टीम में दोबारा शामिल? सर, मिसबा भाई के टेन्योर के बारे में एक चीज़ कह सकता हूँ कि जब हम उनके साथ भी खेलते थे स्वीगर्स में, तब भी हमने अगर परफॉर्म किया है तो बंदा हमें मेंशन करता था या अपना क्या कहते हैं लड़कों को आगे रिकमेंड करता था, तो कम अज़ कम उनके होते हुए ये बहुत एक अच्छी बात है कि डिस्पाइट ऑफ द एज फैक्टर जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ शुरू हो गई है, कम अज़ कम जो परफॉर्मर है ना वो खेलता आपको नज़र आएगा डिस्पाइट ऑफ हिज एज। तो ये मिसबा भाई ख़ुद भी अपना क्या कहते हैं बहुत बड़े परफॉर्मर थे, तो कम अज़ कम ये एक अच्छी चीज़ जो है, जो खुशाइन चीज़ है वो ये है कि परफॉर्मर विल नॉट बी इग्नोर्ड, जो कि अपना एक चीज़ रही है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र आ गया तो परफॉर्मर को पीछे कर देते हैं। तो विद मिसबा भाई ऑन बोर्ड इंशाल्लाह उम्मीद है कि परफॉर्मर खेलेंगे, और मिसबा भाई नोज व्हाट ही नोज द बेस्ट, माशाल्लाह ही इज ऑलवेज बीन द बेस्ट। अच्छा रजा, ये बता दीजिएगा कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आपके वालिद क्रिकेट के लोकल ऑर्गेनाइजर थे, उनके कुछ डिफरेंसेस की वजह से आपको मौका नहीं मिल पाता, मतलब आप लाइन में भी होते हैं लेकिन उनकी वजह से आपका हक मार दिया जाता है? सर, मेरे वालिद साहब जो है ही रन द बिजनेस, ठीक है, क्रिकेट से दूर दूर तक शुएब कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये आप सही कह रहे हैं, ये एक टैग है, ये बात हो रही है असल में शुएब डार साहब की, जो कि मेरे अपना क्योंकि क्लब में खेला करता था मैं, अब मैं नुशाद साहब की क्लब में खेलता हूँ क्रिकेट सेंटर में, पिछले 15 साल से वहीं खेल रहा हूँ, तो उनका अपना कोई इतना इंटरफेरेंस नहीं रहा मेरी क्रिकेट में। हाँ, स्पोर्ट्स ऐसी बात है, घर से जरूर रही है शो पर, लेकिन क्रिकेट की हद तक रही है, तो जा जा के लोगों को मिलना, ये वो कभी भी इस चीज़ पे भी अपना बिलीव नहीं करते। अगर अपना क्या कहते हैं जाके मिलना होता तो अपना मेरी वनडे और जो T20 में परफॉर्मेंसेज वाइड बॉल क्रिकेट में रही हैं, वो जाके मिल भी सकते थे, लेकिन वो ही डिसाइड्स नॉट टू, बस ऐसे ही है।